गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू डिजीज लेके आया हूँ जो कि सोसाइटी में बड़ी कॉमन है। वर्किंग वुमन हो चाहे मैन हो, उनके लिए बहुत कॉमन है। चाहे वो 9 to 5 जॉब करता हो, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये डिजीज है लो बैक एक, जिसको बैक एक या बैक पेन बोलते हैं। सो दोस्तों, बैक पेन किसकी वजह से हो रहा है पहले इसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। हमें इसका अगर पीछे बैक में पेन हो रही है, अगर एक्सरे करवा लें एक बार तो अच्छा रहेगा। उससे पता चल जाएगा कि हमें वर्टिब्रा जो है, हमारे लंबर वर्टिब्रा या सैक्रम वर्टिब्रा, उसमें प्रॉब्लम है या मसल्स की प्रॉब्लम है। मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली 95% लोगों को मसल्स की प्रॉब्लम होती है। पीछे जो हमारे मसल्स होते हैं, इसकी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से पेन होती है। और हम सोच लेते हैं कि हमारी डिस्क की प्रॉब्लम होगी या वर्टिब्रा की प्रॉब्लम होगी। सो दोस्तों, अगर तो आपने एक्सरे करवा लिया है और उसके बाद आपको पता चला है कि वर्टिब्रा हमारे ठीक हैं और हमें मसल्स की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको सिंपल से कुछ पोजेस बताऊंगा आज। अगर आपको बैक पेन है, अगर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग से पेन हो रही है, अगर बैकवर्ड बेंडिंग से पेन हो रही है, तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैं कुछ पोज बताऊंगा। ये आपको डेली करना है, तो इससे आपकी जो है बैक पेन, अगर मसल्स की पेन है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बैक पेन के लिए फर्स्ट एक्सटेंशन पोज, ये हम सिटिंग पोजीशन में करेंगे और खड़े होके भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहले बैठ के करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लो बैक ए के लिए। बैक एक के लिए हमारी लो बैक पेन के लिए सबसे बढ़िया आसन है भुजंग आसन, जिसको बोलते हैं। तो ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोली जाती है। अगर किसी की स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है, स्पाइन में एक कर्वेचर होता है, अगर सीधी हो गई है, उसके रिलेटेड भी, उसके लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भुजंग आसन। तो सबसे पहले भुजंग आसन में हम पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के बाद बिल्कुल सीधे रहेंगे, जर्क बिल्कुल नहीं लगाएंगे और हैंड्स अपने शोल्डर्स के पास ले आएंगे और बिल्कुल पीछे जितना आप खोल सकते हैं उतना होल हो जाए। दिस इज एक्सटेंशन पोज। हमारी जो बैक मसल्स हैं उसको एक्सटेंड करना है। अगर स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है या बैक मसल में कोई पेन है, फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन है, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव आसन। आप 4 to 5 बार इसको कर सकते हैं। 2-10 सेकंड तक होल्ड करके फिर बैक अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। 3-4 तो दोस्तों ये है भुजंग आसन और इससे आपको जो है बैक पेन है उससे काफी निजात मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पोज करते हैं लो बैक पेन के लिए। तो सेकंड पोज है धनुरासन। तो हम स्टार्ट करते हैं धनुरासन। सो दोस्तों जरक नहीं लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल इजी और आराम से करना है। तो स्टार्ट करते हैं धनुरासन, फर्स्ट भुजंगासन और सेकंड धनुरासन। इसको इससे भी ऐसे ही लेट जाएंगे जैसे फर्स्ट पोज में लेट रहे थे और कोशिश करेंगे अपने लेग्स को पकड़ के और जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप एक्सटेंशन कर सकते हैं उतना कीजिए और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है इसको और फिर डाउन देन अप डाउन देन अप डाउन देन अप। So this is also the तो ये भी आपको काफी रिलीफ करेगा बैक पेन के लिए। सो ये दो आसन करिए। वैसे तो कई आसन है, अगर किसी को ज्यादा पेन है तो बिल्कुल आराम से करिए, जिसको कम है वो आप इसको करिए डेली। और ये थे दो पोजेस और कई सारी पोजेस हैं, पहले तो ये नॉर्मल पोजेस करिए। और ये थे लो बैक एक के लिए, लो बैक पेन के लिए दो पोजेस। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।